हेलो फ्रेंड्स, निशा सिंपल कुकिंग में आपका स्वागत है। आज मैं आपको स्टीम्ड मसाला कॉर्न बता रही हूँ। स्टीम्ड मसाला कॉर्न के लिए मुझे चाहिए, मैंने लिया है 250 ग्राम स्वीट कॉर्न और चाहिए मुझे सूखे मसाले। इसमें मैंने लिया है जीरा पाउडर 1/4 चम्मच, काली मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1/4 चम्मच, आधा चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच काला नमक, एक नींबू चाहिए और 1 चम्मच मक्खन। सबसे पहले कॉर्न को कैसे स्टीम करना है ये बताएंगे। उसके लिए सबसे पहले आप कॉर्न को बहुत अच्छी तरह से धो लीजिए। एक बर्तन में पानी गर्म करेंगे, पानी को उबालेंगे, फिर उसमें इस तरह की एक टोकरी डाल देंगे जाली वाली। आप छन्नी भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैं ये कॉर्न डालूंगी। कॉर्न को धोने के लिए मैंने इसलिए कहा कि इसमें जो इसके इसके छिलके होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, वो निकल जाएंगे। अब इसको इस तरह से इसमें रख करके मैं इसे ढक दूंगी और कम से कम 20 मिनट तक इसे उबालूंगी। गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे और 10 मिनट बाद एक बार चेक ज़रूर कर लेंगे कि ऐसा ना हो कि पानी अंदर जो हमने उबलने के लिए रखा हुआ है वो ख़त्म हो जाए, और अगर पानी ख़त्म हो गया है तो उसमें और पानी ऐड कर लें। 10 मिनट बाद इसे एक बार चेक कर लेंगे, हल्का सा पलट भी लेंगे। पलट के इसे फिर से ढक देंगे, पानी भी चेक कर लेंगे, पानी अभी है इसमें, और इसे ढक के कुछ देर और पकाएंगे जब तक ये गल ना जाए। 20 मिनट बाद इसे चेक करते हैं, कॉर्न अब गल गया होगा। सॉफ्ट हो गया है ये। अब इसमें मसाला मिलाएंगे। अब इस स्टीम कॉर्न में मसाले मिलाएंगे। काला नमक, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, काली मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। आधा नींबू डालेंगे, और 1 चम्मच मक्खन डालेंगे। स्टीम मसाला कॉर्न तैयार है। आप इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए। ये बहुत ही टेस्टी बनता है और सभी लोगों को बहुत पसंद आता है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें।